एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बिंदास स्टडीज़। आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कि मैं बताऊं कि यूजीसी नेट कैसे क्रैक करना है। ये तो हम बात करेंगे कि कैसे क्रैक करना है, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप कंटिन्यूस उसको कहते हैं ना, आपकी स्टडी कंटिन्यूस नहीं हो पाती। आप बीच में ब्रेक ले लेते हैं या आप बोर हो जाते हैं। जैसे क्या होता है, हमने 6 मंथ प्रिपरेशन करी, उसके बाद जब हमारा सिलेक्शन नहीं होता, हम यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो अगले 6 मंथ में पढ़ाई में मन नहीं लगता। फिर लगता है सेम सेम चीज़ें बोरिंग लगती हैं। मैं आपको एक टिप्स बता रही हूँ, ठीक है? बहुत सिंपल सी टिप्स है। एक कोई भी डायरी या कॉपी जो भी आपके पास हो वो लीजिए, ठीक है? उसमें दो चीज़ें लिखिए। फर्स्ट चीज़ ये लिखिए कि क्या करना आपको बहुत मुश्किल लगता है और क्या करना आसान लगता है। तो जिसमें मुश्किल लगता है, पढ़ाई करना मुश्किल लगता है, ठीक है, रोज़ रोज़ पढ़ाई करना और भी मुश्किल लगता है, 100 क्वेश्चन डेली सॉल्व करना मुश्किल लगता है, ठीक है, फर्स्ट पेपर के लिए अपडेट रहना मुश्किल लगता है, ठीक है। अगर हमने तय करा है कि हमें आज 4 घंटे पढ़ने हैं, तो इस नियम को बनाए रखना मुश्किल लगता है, ठीक है, ये मुश्किल है। आसान क्या लगता है? टीवी देखना, बाहर घूमना, मूवी जाना, दोस्तों से बातें करना या गपशप करना, ये आसान लगता है आपको। मैं सच बोल रही हूँ, आपको ये दो पार्ट्स में डिवाइड करके लिखना है, ठीक है। और कोशिश ये करनी है, जो मुश्किल लगता है ना, उसको करके इस पर टिक लगाते जाना है। सिर्फ ये आपको 10 से 11 दिन करना है। अगर आप ये कर लेते हैं, तो आगे आने वाले जो नेक्स्ट मंथ, आपके जो भी आने वाला समय होगा ना, जो अगला महीना होगा, आपकी पढ़ाई अपने आप अच्छी चलेगी। आप अपने आप के ना जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि बिना सेल्फ डिसिप्लिन के आप कोई भी प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। और मैं समझती हूँ कि कैसा लगता है लगातार लगातार पढ़ाई करना और बार बार वही सिलेबस पढ़ना, बहुत बोर करता है। तो आप यूजीसी नेट के स्टूडेंट हैं या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बेटर है कि आप को अगर अगर आप प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं और आपको लगता है आप में सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है, तो ये करके देखिए। जो भी लगता है ना कि मुश्किल लग रहा है, तो एक बार अपनी डायरी खोलिए, देखिए क्या मुश्किल लगता है। पढ़ना मुश्किल लगता है, पेपर पढ़ना मुश्किल लगता है, एक्सरसाइज करना मुश्किल लगता है, क्या मुश्किल लगता है वो करते जाना है, उस पर टिक करते जाना है। जो भी चीज़ मुश्किल लगती है उसी पे फोकस करना है, और जो आसान लगती है उसको क्रॉस करते जाना है। तो जो मुश्किल लगता है उस पर जब आप बार बार ध्यान देंगे ना, और सोचेंगे क्यों मुश्किल लगता है, और अगर ये मुश्किल लग रहा है लेकिन अगर हम इसको कर लेंगे, मन मार के करिए, लगे ना अरे यार मन नहीं है मुझे पढ़ने का, जबरदस्ती लेके बैठिए और 100 क्वेश्चन लगाइए। मुझे पता है ज़बरदस्ती दिमाग में तो नहीं घुसता, लेकिन अगर आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व करे ना, तो यकीन रखिए उसमें से 30 तो आपके दिमाग में घुसेंगे ही घुसेंगे। और ये सिर्फ 10 से 11 दिन का खेल है। इतना कर लीजिए, आगे आने वाले टाइम में आपको ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ेगा, आपको जो मुश्किल लगता है वो आसान लगने लगेगा। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे बड़ा रूल है, ये आपको करना ही करना होगा। दूसरा, पढ़ाई के साथ साथ एक्सरसाइज भी करिए, खुश रहिए, और कुछ कुछ अपनी हॉबीज़ भी डेवलप करिए। यूजीसी के साथ जो अदर कोर्सेज हैं जो आपको लगता है बेनिफिशियल होंगे फ्यूचर में, वो भी देखते रहिए, ठीक है। और मैं एक वीडियो उस पर बना दूंगी, जिसके लिए आप लोग बार बार मुझे बोलते हैं कि यूजीसी नेट क्वालिफाई करने से क्या होता है, क्या फ़ायदा है। सी यू देन, टेक केयर, बाय।